हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज पोटैटो टिक्की, जिसको बनाने के लिए 4 से 5 मीडियम साइज के आलू उबले हुए, 4 से 5 हरी मिर्च, लहसुन, पोहा, एक छोटी कटोरी बना हुआ धनिया की पत्ती और मोजरेला चीज लेते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले चॉपर में लहसुन और मिर्च और धनिया पत्ती को चॉप कर लेते हैं। अच्छे से चॉप हो चुका है, अब इसे कटोरी में निकाल करके सभी को मिक्स कर लेंगे। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब इसमें अदरक, लहसुन, धनिया, मिर्च का पेस्ट, पोहा, नमक हल्का ही लेंगे क्योंकि पोहे में भी नमक है, तो इसलिए नमक हल्का ही, ब्लैक पेपर, और चीज डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। टिक्की का सेप दे दे करके इस तरीके से सारी टिक्कियां तैयार कर लेते हैं। टिक्कियां बन चुकी हैं, अब हम इन्हें सेक लेंगे। गरम होने के लिए रख दिया है पैन, अब इसमें बटर डाल लेते हैं। चारों तरफ फैला देंगे। अब इसमें एक एक करके टिक्कियां रखते जाएंगे। टिक्की को मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए एक तरफ से सेक लेते हैं। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हमें क्या कहते हैं सारी टिक्कियों को पलट लेंगे। एक तरफ से टिक्की बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी तरह से सेक लेंगे और इसमें हल्का हल्का सा बटर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में डाल देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बेक कर लेंगे। टिक्की अब दोनों तरफ से सिक चुकी है, अब गैस को ऑफ करके इसे निकाल देंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।